कि भाई आपने जो टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की थी वो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही, मज़ा आ गया एग्जामिनेशन में। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक दिल से स्वागत है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो दोस्तों RGP BE BTech बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 24 जनवरी से स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो दोस्तों दो दिन पहले तो सब ठीक ठाक था, क्योंकि दोस्तों रेगुलरली कुछ कुछ कमेंट आ रही थी, और जैसे जैसे एग्ज़ाम की डेट पास आ रही है बहुत सारे स्टूडेंट के लिए टेंशन हो रही है कि भाई कैसे पास होंगे, ये पढ़ा नहीं अभी तक, ये और वो IMP कहाँ है। साथ के साथ कुछ स्टूडेंट ऐसा भी कमेंट कर रहे हैं कि भाई 25 पेज लिख कर आ जाएंगे तो पास हो जाएंगे। बहुत सारे डाउट हैं दोस्तों, ऐसे डाउट हैं जो कि आपको भी हैं लेकिन आपने अभी तक कमेंट नहीं किया है, या फिर आपने कमेंट तो किया है बाय मिस्टेक में रिप्लाई ना कर पाया हूँ, या फिर मैंने रिप्लाई तो कर दिया है लेकिन जो एक्चुअल में आपकी बात है वो क्लियर ना हो पाई हो, आप लोग परेशान हो रहे हो। दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मल्टीपल कमेंट्स हैं, हो सकता है मैं जब तक रिप्लाई करूँ तब तक भाई आपके YouTube पर मल्टीपल नोटिफिकेशन आ जाएं, जिससे कि रिप्लाई का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँच पाता है, आप सोचते हैं रिप्लाई नहीं दिया, तो भाई इसके लिए सॉरी यार। दोस्तों अब आपको पता ही होगा कि भाई कल फोर्थ सेमेस्टर बैकलॉग एग्जामिनेशन मैथमेटिक्स 3 का हो गया है, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था इतना इजी पेपर। भाई सच में बहुत ही इजी पेपर आया था, अगर आप लोग भी देखोगे तो आप भी यही सोचोगे कि ठीक ऐसा ही पेपर हम लोगों के लिए आ जाए तो मज़ा आ जाए। दोस्तों मैं भी यही आशा करता हूँ कि ऐसा ही एग्ज़ाम आपका भी आए बिल्कुल ईजी, लेकिन दोस्तों इसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी साथ के साथ रिलैक्स होकर बिना किसी स्ट्रेस के, जिससे आप जो भी पढ़ें वो आपको एक ही बार में याद हो जाए। अब इससे रिलेटेड मैंने 7 इंपॉर्टेंट टिप्स जो कि स्टडी के लिए हैं वीडियो बना के रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, देख लेना भाई बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अब दोस्तों अगर बात करें मेन चीज़ की, जो कि आपने थंबनेल में देखा था, थर्ड सेमेस्टर मीटिंग, जो कि भाई ऑनलाइन रहेगी जूम या फिर गूगल मीट प्लेटफॉर्म पर। क्योंकि दोस्तों आप लोगों के जो मल्टीपल्स कमेंट आ रहे हैं, अलग अलग डाउट आ रहे हैं कि भाई कितने पेजेस से लिखें मिनिमम या फिर मैक्सिमम, और किस तरीके से लिखें जिससे कि भाई अच्छी CGPA SGPA इंक्रीज कर पाएं। साथ ही साथ दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिसको BTech सेकंड सेमेस्टर में बैकलॉग है, और थर्ड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन के कुछ ही दिन बाद आपके BTech सेकंड सेमेस्टर के बैकलॉग हो जाएंगे, तो उसके लिए प्रिपेयर कैसे करें, अभी से करें या फिर उसी टाइम कर लेंगे। तो भाई बहुत सारे ऐसे डाउट हैं जो कि आप पर डिपेंड करता है आपका डाउट क्या है। अब दोस्तों कुछ लोग थर्ड सेमेस्टर लेटरल एंट्री में भी एडमिशन लेते हैं तो उनका सेशन लेट हुआ तो हो सकता है एग्जामिनेशन में उनको दिक्कत जा सकती है। इसी के साथ दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जो कि आपको मालूम नहीं रहती हैं, तो मालूम नहीं है तो भाई उस पर डाउट भी नहीं आएगा, लेकिन दोस्तों अगर आप मीटिंग ज्वाइन करते हैं तो भाई आपको एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। क्योंकि दोस्तों मीटिंग में डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज के डिफरेंट डिफरेंट बच्चे रहेंगे, और ऑब्वियसली बात है उनके डिफरेंट डिफरेंट डाउट्स रहेंगे, तो मीटिंग में हम उन डाउट्स को डिस्कस करके क्लियर करेंगे, आप भी करोगे मैं भी करूंगा, तो भाई आप सभी के डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। साथ के साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि RGPB एग्जाम पास करने के साथ साथ नंबर इंक्रीज करने में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी वो शेयर करेंगे। हो सकता है दोस्तों आपको अभी तक वो ट्रिक्स एंड टिप्स मालूम ही ना हो, जिससे कि भाई आपको सेकंड सेमेस्टर में बैकलॉग लगा हो, और दोस्तों आप लोग इस बार भी गलती मत करना जो कि मैं आपको टिप्स शेयर करूंगा, अगर आप उनको फॉलो करके एग्जामिनेशन देते हैं तो भाई मुश्किल ही है कि आपको बैकलॉग आ जाए। तो दोस्तों अगर आप मीटिंग ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी एग्जामिनेशन के लिए, और बहुत ज़्यादा फायदा भी होने वाला है। अब दोस्तों मुझे मीटिंग का आइडिया यहाँ से आया, क्योंकि दोस्तों M3 एग्जाम जो कि बैकलॉग का कल हो गया है, उसके दो दिन पहले मैंने एक वीडियो के माध्यम से कुछ टिप्स वगैरह शेयर की थी। दोस्तों मैंने उनको दो ऑप्शन दिए थे सीक्रेट टिप्स जानने के लिए, बाय मीटिंग या फिर बाय यूट्यूब जो कि अनलिस्टेड वीडियो रहेगी। दोस्तों इसके लिए मैंने उनसे वोट डलवाया था, तो बाय यूट्यूब की अनलिस्टेड वीडियो के लिए 88% वोट आए थे, इसीलिए मैंने उनको अनलिस्टेड वीडियो का लिंक Gmail ID पर शेयर किया था, इसीलिए मैंने YouTube पर एक वीडियो भी डाला था चेक यूर Gmail। दोस्तों जब उनने यह वीडियो देखा, एग्जाम देने गए, इन टिप्स को फॉलो किया, एग्जाम देकर वापस आए, तो भाई उनका रिप्लाई आया था, मैसेज आया था, कॉल भी आया था कुछ लोगों का कि भाई आपने जो टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की थी वो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही, मज़ा आ गया एग्जामिनेशन में। तो दोस्तों मैंने यही सोचा कि अगर वही टिप्स आपको बताएं, आपको अगर पता नहीं है तो पता चल जाएंगी, जिससे कि भाई आपको भी बैकलॉग ना आए, आपको भी कोई दिक्कत ना हो एग्जामिनेशन में, और भाई साथ के साथ आपके जो भी डाउट हैं जो कि क्लियर नहीं हुए हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो भाई कहने का मतलब मीटिंग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों मीटिंग के लिए एक छोटा सा कॉस्ट रखा गया है जो कि 20 रुपीज़ है। कॉस्ट रखने का रीज़न ये है कि भाई कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो कि मीटिंग को ज्वाइन कर लेते हैं, या फिर कुछ भी गलत कमेंट या फिर मीटिंग में ही डिस्टर्बेंस करते हैं, जिससे कि भाई आपका भी टाइम वेस्ट हो, मेरा भी टाइम वेस्ट हो, ज़्यादा टाइम बचा हुआ नहीं है एग्जामिनेशन के लिए, तैयारी भी करना है। तो दोस्तों पे करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में QR कोड की लिंक मिल जाएगी, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आप किसी भी UPI ऐप में जाएंगे, उसमें QR स्कैनर ओपन करेंगे, आपको साइड में गैलरी का ऑप्शन दिखता है, इस पर क्लिक करके जब आप QR को सेलेक्ट करेंगे जो कि PDF में दिया हुआ था, तो आपके सामने ठीक ऐसा इंटरफेस सामने आएगा। अब दोस्तों आपको पे करने के पहले सामने एड मैसेज का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसमें आपको अपना Gmail ID फिल करना है, जिससे दोस्तों मैं आपको
मीटिंग का लिंक, आईडी, पासवर्ड और टाइम मेंशन करके सेंड कर दूंगा उसी जीमेल आईडी पर जो कि आप जीमेल आईडी यहां पर फिल करोगे। और दोस्तों अगर आपको ऐड मैसेज का ऑप्शन ना दिखे तो आप इस जीमेल आईडी पर मैसेज कर सकते हैं कि भाई मैंने पेमेंट कर दिया है, आप लिंक सेंड करिए, तो उसके माध्यम से भी आप लिंक प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, तो मिलते हैं मीटिंग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।